नमस्कार, आज हम बात करेंगे चरखवा चालू रहे, जो कि विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है। निबंध शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विद्या निवास मिश्र जी का जन्म 1926 में गोरखपुर में हुआ था। वे पेशे से अध्यापक थे। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में भी अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। इसके साथ साथ वे KM मुंशी हिंदी शोध संस्थान के निदेशक भी रहे हैं। वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं। इसके साथ साथ विद्या निवास मिश्र ने अध्यापन कार्य के साथ साथ संपादन का कार्य भी बहुत सफलतापूर्वक किया है। वे नवभारत टाइम्स के बहुत समय तक संपादक रहे हैं। अमृत साहित्य अमृत नाम की एक साहित्यिक पत्रिका है, उस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है। इसके अलावा अमेरिका से प्रकाशित होने वाली इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुज्म के 18 खंड हैं। उन 18 खंडों का संपादन विद्या निवास मिश्र ने किया है। इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया है, जिनमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, शंकर सम्मान के अलावा भी कई ऐसे सम्मान रहे हैं जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया है। हिंदी में विद्या निवास मिश्र अपने निबंधों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। विद्या निवास मिश्र ने बहुचर्चित निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो निबंध की परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य बहुत सफलतापूर्वक किया है। इसके साथ साथ उनके जो निबंध हैं, वे लोक संस्कृति से संबंधित रहे हैं। उनके निबंधों में जीवन के विविध सांस्कृतिक पक्ष रागात्मकता के साथ मौजूद हैं। उनके निबंधों की विशेषता ये रही है कि उनके निबंधों में लोक संस्कृति और शास्त्रीय ज्ञान का पूरा समन्वय मिलता है। इसके साथ साथ वे जनपदीय भाषा का प्रयोग अपने निबंधों में विशेष रूप से करते हैं। चरखवा चालू रहे निबंध जो है, उस निबंध में भी उन्होंने जनपदीय शब्दों का, उस शब्दावली का पूरा प्रयोग किया है। पूर्वीपन उनमें उनके इस निबंध में अच्छी तरह से देखा जा सकता है। चरखवा चालू रहे निबंध पर बात करते हुए भी मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि इस निबंध में उन्होंने भोजपुरी बोली के जितने भी जनपदीय शब्द हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया है। उनकी पूरी शब्दावली ही भोजपुरी के इर्द गिर्द घूमती रही है इस निबंध में। इस निबंध का जो केंद्रीय बिंदु है, वो बिंदु है चरखा। इसमें उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक चरखे पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है और चरखे के विभिन्न पक्षों को पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है, जिसमें कि पहला पक्ष ये है कि उन्होंने इसमें सूत कातने की प्रक्रिया का जिक्र किया है। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने रुई की कटाई छटाई से शुरू करते हुए सूत कातने तक की पूरी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताया है, और इस विस्तार पूर्वक विवेचन के लिए उन्होंने चरखे से संबंधित पूरी की पूरी शब्दावली का प्रयोग किया है। जैसे धुन की, करघी, ये जो सूत काटने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब चीज़ों के नाम इसमें उन शब्दों का प्रयोग उसी तरीके से किया है जिस तरीके से जनपद में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने चरखे से संबंधित शब्दावली का तो प्रयोग किया ही है, साथ ही चरखा चलाना या सूत कातने को आम तौर पर बड़ा साधारण सा काम माना जाता है, लेकिन विद्या निवास मिश्र ने इस निबंध में इस साधारण से माने जाने वाले कार्य को बहुत असाधारण बना दिया है। यानी कि उन्होंने इसको साधारण नहीं माना है, बल्कि एक बहुत परिश्रम पूर्वक किया जाने वाला कार्य उन्होंने यहाँ पर बताया है, क्योंकि इसमें उन्होंने इतनी डिटेल्स इसमें दी हैं, इतना विवरण इसमें दिया है। उस विवरण को पढ़कर पाठकों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई साधारण काम है। तो जो साधारण सा कहा जाने वाला काम था सूत कातना, उसको उन्होंने बहुत असाधारण महत्व प्रदान किया है अपने इस निबंध के माध्यम से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी चीज़ बताई है जो कि चरखा और चरखे से का काम करने वाले लोगों से संबंधित है।
वो पहली चीज ये कि चरखा जो है, चरखे का ज्यादातर प्रयोग जो है स्त्रियां करती रही हैं, तो उनके लिए शब्दावली भी प्रयोग की जाती है, वो है चरखा चलाने वाली जो स्त्रियां होती हैं, सूत काटने वाली जो स्त्रियां होती हैं उनको कत्ती नहीं कहते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनको कत्ती कहा जाता है। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग उन्होंने निबंध में किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो सूत की गुणवत्ता होती है वो उसके वजन पर और उसकी बारीकी के हिसाब से होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि 200 नंबर का जो सूत होता है वो बहुत महीन होता है और वो सबसे अच्छा सूत माना जाता है। जो ये तथ्य महानगरों में पलने बढ़ने वाले लोग, जिनका पालन पोषण महानगरों में ही हुआ है, गांव से जिनका संबंध कम होता है, उन लोगों को ये बात शायद ही पता होगी। तो विद्यानिवास मिश्र ने ऐसे ज्ञानवर्धक चीज़ें इसमें बताई हैं जिनका, जिनसे पाठक बहुत आसानी से तो नहीं जिसकी जानकारी रख पाता है, और ये बहुत बारीक जानकारी भी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो कत्तिने होती हैं या जो कत्ती होते हैं, जब वो सूत काटते हैं तब वो ये काम जो है बड़े परिश्रम के साथ और एकाग्रता के साथ करते हैं। एकाग्रता इसलिए चाहिए होती है कि अगर एकाग्रता नहीं होगी तो वो जो सूत काटने का कार्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें अगर अभ्यास की कमी होगी या फिर उनका ध्यान इधर उधर भटकेगा तो सूत नहीं कट पाएगा। ये इसका एक लाक्षणिक अर्थ ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम अभ्यास ठीक से नहीं करेंगे और कार्य के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है इस निबंध का वो ये है कि विद्यानिवास मिश्र जी ने चरखे का संबंध स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा है, जो हमें सभी सबको पता है। स्वाधीनता आंदोलन से इसलिए जुड़ा है क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय चरखे को स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक बनाया था। यहाँ उन्होंने चरखे को आज़ादी से जोड़कर विद्यानिवास मिश्र ने इसके कई आयाम प्रस्तुत किए हैं, जिनमें पहला आयाम तो ये है कि जिस तरीके से चरखा चलाने के लिए, सूत काटने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है और निष्ठा की ज़रूरत है। अगर हम डेडिकेटेड नहीं हैं, फोकस्ड नहीं हैं, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यही चीज़ हमारी स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भी लागू थी कि अगर हम अपने लक्ष्य आज़ादी की तरफ एकाग्र नहीं होंगे तो हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिल सकती। चरखा एक माध्यम था, एक प्रतीक था स्वाधीनता का। राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े आंदोलन ये रहे हैं जिनमें असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन रहा है और चरखा उसका मुख्य औजार था। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें ये भी बताया गया है कि जिस तरीके से चरखा आराम तलबी का से आराम परस्त लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, परिश्रमी और निष्ठावान लोगों के लिए बना हुआ है, उसी तरीके से स्वाधीनता भी आराम चाहने वाले लोगों को स्वाधीनता नहीं मिल सकती, स्वाधीनता उन्हें ही मिल सकती है जो निष्ठावान होंगे। ये विद्यानिवास मिश्र ने इसमें स्पष्ट किया है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि उन्होंने ये भी कहा है कि परिश्रम क्षणिक परिश्रम से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है निरंतर परिश्रम से। क्योंकि अगर जिस तरीके से सूत काटने वाले लोग, इसमें जैसे इसका शीर्षक है निबंध का चरखवा चालू रहे, तो इसका शीर्षक ये इसलिए रखा गया है कि सूत काटने में जो कत्तिने होती हैं वे इतनी एकाग्र होती हैं कि वो लगातार उस पर ध्यान रखती हैं। अगर उनका ध्यान इधर उधर भटकता है तो सूत जो है सही से नहीं बन पाता। तो उसी तरीके से अगर वो सूत काटने में ढिलाई बरतेंगी या फिर वो परिश्रम नहीं करेंगी या एकाग्र चित्त नहीं रहेंगी तो उससे क्या होगा कि वो अपने लक्ष्य से डगमगा जाएंगी, जिसका मतलब है कि चरखा जो है चलना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि चरखवा चालू रहे इसके लिए एकाग्रचित होना ज़रूरी है, और चरखवा चालू रहे का ये भी मतलब है कि चरखवा चालू रहेगा तभी हमें स्वाधीनता भी मिल पाएगी। क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था उसमें हमने बहिष्कार किया था बहुत सारी चीज़ों का, अंग्रेजी सामान मतलब जो विदेशी सामान था उनका हमने बहिष्कार किया था,
वो अलग बात है कि अभी हम फिर से विदेशी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, लेकिन विद्या निवास मिश्र ने यहाँ पर यही बताया है कि हमने क्योंकि बहिष्कार किया था विदेशी चीज़ों का, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें जैसे कॉटन की ज़रूरत थी, सूत की ज़रूरत थी, तो उसकी भरपाई किसने की थी, उसकी भरपाई चरखे ने की थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिया, प्रस्तुत किया है, वो ये है कि चरखे ने बहुत सारे ऐसे लोगों को स्वावलंबी बनाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत आसान नहीं समझते थे, जैसे कि स्त्रियां। जब चरखे का चलन प्रारंभ हुआ था, या वैसे तो चरखे का चलन मिथिला समाज में बहुत पहले से रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने बलबूते पर कमाई करना चाहते थे, घर में रहकर भी काम करना चाहते थे, उनके लिए चरखा बहुत बड़ा साधन साबित हुआ था। प्लस वे स्त्रियां जो घर के चार दीवारी के अंदर सीमित रहती थी, जिनकी सीमाएं निश्चित कर दी गई थी, वे स्त्रियां भी राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी थी चरखे के माध्यम से, क्योंकि वे सूत काटती थी और उत्पादन में सहयोग करती थी, तो इससे वो राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई थी। तो गांधी जी ने भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया था कि जो घरेलू स्त्रियां थी उनको राष्ट्रीय राजनीति से चरखे के माध्यम से जोड़ा था। विद्यानिवास मिश्र ने भी ये चीज़ बताई है कि कत्तिन स्त्रियां बड़ी एकाग्रचित होती हैं, परिश्रमी होती हैं, जिनका राष्ट्रीय राजनीति में भी चरखे के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान था। यही सारी चीज़ें विद्यानिवास मिश्र ने इस निबंध में बताई हैं। इस निबंध के शीर्षक से लेकर इस निबंध के अंतिम वाक्य तक विद्यानिवास मिश्र ने भोजपुरी भाषा, भोजपुरी बोली का प्रयोग किया है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की ही एक बोली है, जिसका जन्म जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। तो उन्होंने यही सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, लोक संस्कृति का इन्होंने लोक, क्योंकि चरखा जो है हमारी लोक संस्कृति का भी परिचायक है, तो उन्होंने हमारी लोक संस्कृति का भी इसमें जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उन्हें चरखे से संबंधित बहुत ज्ञान था। पूरी प्रक्रिया को उन्होंने इतने विस्तार से बताया है सूत काटने की कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने खुद ये काम किया होगा। तो उन्होंने इस निबंध को पूरी जीवंतता प्रदान की है, अपनी भाषा के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कि इस निबंध को मैं आपको आसानी से समझा पाई होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको परीक्षा में काम आएगी। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए विशेष शुभकामनाएँ, धन्यवाद।